राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बोरिंग का मुहूर्त बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने 31 जुलाई तक डाला है और उससे आगे का आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आपको अगर आवश्यक हो, आप समझें कि मुझे आवश्यकता है इसकी, तो आप सब्सक्राइब करें। नहीं समझें तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन शेयर अवश्य करें जिससे आपके मित्र भी लाभ उठा सकें। अपने मित्रों को अवश्य बताएं जिससे वे भी लाभ उठा सकें, और बेल आइकॉन को अवश्य टच करें जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। और जिसमें आवश्यक है उसमें मैंने समय बता दिया है इस वीडियो में, और जिसमें आवश्यक नहीं समय बताया गया उसमें समझिए दिन रात कभी भी आप चालू कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं बोरिंग का काम। तो 31 जुलाई के बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष तिथि द्वितीया बुधवार दिनांक 5/8/2020 दिन रात कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद तृतीया गुरुवार अंग्रेजी तारीख 6/8/2020 भद्रा पूर्वम दिन में 10 बजे से भद्रा शुरू हो जाती है, इसलिए भद्रा से पहले आप कार्य प्रारंभ कर दें, और नहीं तो फिर 10 बजे रात से करें, 10 बजे रात के बाद करें। भाद्र शुक्ल पक्ष तिथि प्रतिपद दिन गुरुवार अंग्रेजी तारीख 20/8/2020 दिन रात कभी भी करें। फिर दसवीं शुक्रवार 28/8/2020 मूल नक्षत्र में आप दिन रात कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर पूर्णिमा भाद्रपद पूर्णिमा दिन बुधवार अंग्रेजी तारीख 2/9/2020 सतविषा नक्षत्र दिन रात कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर शुद्ध आश्विन कृष्ण पक्ष तिथि प्रतिपद दिन गुरुवार अंग्रेजी तारीख 3/9/2020 पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में दिन रात कभी भी करें। 11 तिथि 11 दिन रविवार अंग्रेजी दिनांक 3/9/2020 पुष्य नक्षत्र दिन रात कभी भी शुरू कर सकते हैं। 12 सोमवार 14 अंग्रेजी तारीख 14/9/2020 पुष्य नक्षत्र दिन रात कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर शुद्ध आश्विन शुक्ल पक्ष तिथि पंचमी बुधवार अंग्रेजी दिनांक 21/10/2020 दिन में 8:21 तक आप शुरू कर दें। षष्ठी गुरुवार दिनांक 22/10/2020 दिन में 7:29 के बाद आपको शुरू करना है बोरिंग का काम। उसके बाद फिर दसवीं सोमवार अंग्रेजी दिनांक 26/10/2020 धनिष्ठा नक्षत्र पूर्वा भाद्र नक्षत्र दोनों पड़ेगा, उसमें आप दिन रात कभी भी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद फिर कार्तिक कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी अंग्रेजी तारीख 8/11/2020 श्लेषा नक्षत्र दिन रात कभी भी शुरू कर सकते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष तिथि पंचमी गुरुवार अंग्रेजी दिनांक 19/11/2020 पूर्वाषाढ़ा दिन रात कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तिथि सप्तमी सोमवार 8 बजकर सॉरी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तिथि चौथ शुक्रवार अंग्रेजी तारीख 4/12/2020 शाम में 5:48 के बाद चतुर्थी समाप्त हो जाती है, उसके बाद आपको शुरू करना है। उसके बाद फिर तिथि सप्तमी सोमवार अंग्रेजी तारीख 8/12/2020 मघा नक्षत्र दिन रात कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष तिथि बुध द्वितीया दिन बुधवार अंग्रेजी दिनांक 16/12/2020 दिन रात कभी भी कर सकते हैं। षष्ठी रविवार अंग्रेजी तारीख 20/12/2020 सतभिषा नक्षत्र दिन रात कभी भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसमें इतना ही, फिर आगे का मैं आगे बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप मेरा वीडियो पूरा वीडियो अवश्य देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टच करें जिससे मैं जो भी नया वीडियो उसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। राधे राधे।